Welcome to Android World Podcast. नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस बिंद्रे आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने एंड्रॉइड वर्ल्ड फॉर वी आई यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेरे पास एक और एक फोन है। ये फोन जिस कंपनी का है, क्या उसके ऊपर विश्वास हम रख सकते हैं? क्या ये फोन हमारे लिए टोटली एक्सेसिबल है, या फिर क्या हम एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं हमारे लिए, क्या हम वो परफॉर्म इसमें इजीली कर सकते हैं क्या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये एक नई कंपनी है, रिसेंटली 2018 में लॉन्च हुई है। ये एक बजट फोन है, लगभग 7000 के अंदर आता है फोन। इस कंपनी का नाम है दोस्तों Realme। जी हाँ दोस्तों, Realme एक नई कंपनी है 2018 में। तो इसका जो फोन है Realme C1, ये फोन की अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं। और जो मैंने आप सवाल यहाँ पे रेस किए थे, उसी सवाल के जवाब आज हम देखने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो अनबॉक्स करते हैं इस फोन को। मेरे सामने बॉक्स है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पे ही लॉन्च हुआ है अक्टूबर में। 11 अक्टूबर को इसकी पहली सेल थी। और ये जो पॉडकास्ट है, ये भी 29 अक्टूबर यानी अक्टूबर मंथ में ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से ये मुझे मिला है 6999। बॉक्स मैंने निकाला, इसके अंदर मेन बॉक्स है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है। मैं आगे आपको बताऊंगा ही क्या उसमें अच्छी बात है क्या बुरी बात है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये प्लास्टिक का कवर है, उसके अंदर ही जो है वो वारंटी कार्ड भी मिलता है उसके ऊपर। तो ये जो मैंने निकाला है ये वारंटी कार्ड था, और इसकी डिलीवरी जो है वो भी बहुत ही इंस्टेंटली हुई है। मैंने सैटरडे को दोपहर में बुक किया था फ़ोन, और एक्सपेक्ट डिलीवरी थी वेनसडे, पर ये मंडे आफ्टरनून में ही मेरे घर पे डिलीवर हो चुका था। तो मेरे सामने मेन बॉक्स है। तो दोस्तों इसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवर था वो मैंने निकाल दिया है। बॉक्स ओपन करते हैं अभी, नाइफ मैं बाजू में रखता हूँ, अभी बॉक्स ऊपर से ओपन करता हूँ। और सबसे पहले हमारे सामने जो आता है वो एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें कुछ मैनुअल है और वारंटी कार्ड भी उसमें दिया है, और एक केस मिला है, सिलिकॉन केस है। बहुत ही अच्छी बात है, आजकल की कंपनियां सिलिकॉन केस हमें प्रोवाइड करती है, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का केस लगता है। तो ये बाजू में रखता हूँ मैं, और उसके नीचे मुझे मोबाइल मिलता है, हैंडसेट में बाहर निकालता हूँ। ये हैंडसेट मेरे हाथ में है, मैं ये इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ी देर में देता हूँ, तो बाजू में रखता हूँ फिलहाल। उसके नीचे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और तो एक चार्जर है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, ये एक नॉर्मल चार्जर है। उसके राइट साइड में एक मुझे USB टाइप 2 केबल मिली है, मतलब माइक्रो USB केबल। फिलहाल मैं ये साइड में रखता हूँ और मोबाइल देखते हैं। दोस्तों ये जो मोबाइल है ये आता है 6.2 इंचेस का। जी हाँ, बहुत बड़ी स्क्रीन है, वैसे हाथों को लगती तो नहीं है, पर हाँ ये 6.2 है। इसके ऊपर का जो कवर है वो मैं निकाल देता हूँ। तो कवर मैंने निकाला, फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं इसकी। राइट साइड में जो है वो पावर बटन है सिर्फ, ऊपर की तरफ कुछ नहीं लग रहा है मेरे हाथों को। और लेफ्ट साइड में जो है वो वॉल्यूम रॉकर है, अलग अलग बटन है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम रॉकर के ऊपर
सिस्टम ट्रे है, और ये दोस्तों ट्रिपल स्लॉट में आता है, यानी दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तो ये चीज़ है। उसके बाद नीचे की तरफ बीच में USB केबल है, लेफ्ट साइड में स्पीकर है नीचे की तरफ ही, और राइट साइड में 3.5 mm जैक है। पीछे की बात अगर करेंगे तो पीछे ऊपर के साइड में हमें कैमरा मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का, यानी 13 का एक है और 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा है, यानी डुअल कैमरा इसमें है। बैक जो ये है कवर है या बॉडी है, ये एक प्लास्टिक की बॉडी है पर हाथों को फील हो रही है ग्लास की तरह। और उसके साथ ही फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है, और सामने की तरफ एक नॉच है, यानी ये जो स्क्रीन है ये 18:9 के साथ आती है, जिसमें ऊपर की तरफ नॉच है। नॉच यानी एक अलग से एरिया है जिसमें आपका फ्रंट कैमरा, कुछ सेंसर और ईयर पीस, ये अलग से आते हैं स्क्रीन के अलावा। तो अलग से तो कुछ लगता नहीं है, पर हाँ जो एरिया है वो अलग से दिया होता है, इसलिए आपको स्क्रीन जो है वो पूरी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको बूट करते हैं हम। वाइब्रेट हुआ है। इसमें जो प्रोसेसर है दोस्तों, ये ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, 450 स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर है, और ये डुअल वोल्टी को सपोर्ट करता है। जी हाँ, यानी आप दोनों ही सिम में जियो के दोनों सिम डाल सकते हो, तो ये चीज़ है। इसमें बूट हो रहा है फ़ोन, हम अभी टॉकबैक शुरू करते हैं। दो फिंगर मैं स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ, ऊपर जो ईयर पीस है उसके थोड़े से नीचे ही मैंने रखा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से टॉकबैक शुरू हुआ नहीं, वहाँ पे विजन या एक्सेसिबिलिटी का भी कोई बटन नहीं था, तो मुझे साइटेड की हेल्प से ही ये जो टॉकबैक है वो सेटअप करने के बाद शुरू करना पड़ा है। तो सबसे पहले ये सैमसंग के जैसे ही है, बीच में होम बटन है, राइट साइड में बैक बटन है, और लेफ्ट साइड में ओवरव्यू बटन है। तो दोस्तों इसके बाद अभी हमें ये फोन जो है वो ठीक से देखना है कि ये बाकी चीजों में भी एक्सेसिबल है या फिर स्टार्टअप में जो इश्यू आया था उसके जैसे ही अनएक्सेसिबल है। तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में फोन की इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, उसके बाद मैं फोन एप्लीकेशन, मैसेज एप्लीकेशन, कुछ कैमरा एप्लीकेशन या और कुछ चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो सुनते रहिएगा एंड तक, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई में ये कंपनी का फोन लेना सही डिसीजन होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले तो सेटिंग में चलते हैं। ये सेटिंग में आया हूँ मैं, वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। तो हम ऊपर से नीचे नीचे जाएंगे, जिससे हमें सेटिंग में कौन कौन सी नई चीजें हैं ये भी पता चलेगी, और एंड में फिर हम अबाउट फोन में जाएंगे। एयरप्लेन मोड है सबसे पहले, सिम कार्ड, वाईफाई नॉट कनेक्टेड, मैं सिर्फ स्वाइप करते जाऊंगा, आप सुनिएगा। ब्लूटूथ ऑफ, अदर वायरलेस कनेक्शंस, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर, साउंड एंड वाइब्रेशन, क्वाइट टाइम, फेस एंड पासकोड, स्मार्ट एंड कन्वीनियंट, सिक्योरिटी, बैटरी, शो लैंग्वेज एंड रीजन, एडिशनल सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अबाउट फोन, Accounts and Sync, Google, App Management, Game Space, App Split Screen, System Apps। ये इतने ऑप्शन दोस्तों मेन सेटिंग के विंडो में है, बाकी के कुछ और ऑप्शन आपको एडिशनल सेटिंग में मिल जाते हैं, एडिशनल ऑप्शन में जो कि सॉफ्टवेयर ऑफ एडिशनल सेटिंग ये इसमें है। Double tap to activate। ठीक है, हम जाएंगे अबाउट फोन में। Accounts and Sync, About Phone, About Phone, Double tap, About Phone, Showing up, About Phone, About Phone, Device Name, Realme C1, In List 20 Realme Items, C1, Model RMX1811, ये मॉडल नंबर है, Color OS Version V5.1, Color OS, Double tap to,
5.1 ये कस्टम रॉम है और ये खुद का एक रॉम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कलर ओएस। फिलहाल ये 5.1 उसका वर्जन है। एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 ओरियो है। प्रोसेसर क्वालकॉम एसडीएम 450 ऑक्टाकोर। क्वालकॉम का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 450 और ये दोस्तों 12 वोल्टी को सपोर्ट करता है। की जाते हैं रैम 2.00 GB 2.0 जीबी की रैम है और डिवाइस स्टोरेज 7.18 GB अवेलेबल 16.0 GB टोटल। ठीक है 16 GB और 2 GB इसमें जो C1 में सिर्फ 2 GB और 16 GB का वेरिएंट है तो ये वही है उसमें से अवेलेबल मतलब 16 GB में से अवेलेबल हमें अराउंड 7.18 GB 7 GB अवेलेबल मिल जाती है। Version tap 7 times to enter baseband beer kernel version Android security patch level September 5th 2018 Android Double security September 5th ki hai baki kuch hai nahi isme SIM status legal and regulatory e label theek hai iske baad back aaya hu main game apps in app man google accounts about accessibility mein jaate hain additional setting wo hai additional setting mein aur इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। स्टोरेज स्टोरेज है डेट एंड टाइम कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड कीबोर्ड सर्च सर्च डाउनलोड मैनेज यूजर गाइड ऑटोमेटिक ऑन ऑफ डिवाइस एंड प्राइवेसी सिम टूलकिट एक्सेसिबिलिटी ठीक है ओटीजी कनेक्शन नॉट चेक स्विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज फॉर 10 मिनट्स ओके बैकअप एंड रीसेट बैकअप एंड रीसेट एडिशनल सेटिंग में तो एक्सेसिबिलिटी में जाता हूँ सिम टूलकिट एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स टॉप बैक इन लिस्ट 18 आइटम एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ये ऑन चेक स्विच ये ऑन है डबल टैप अगर नहीं होगा तो आप ऑन कर सकते हैं डबल अवेलेबल इवन चेक स्विच अवेलेबल इवन व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड ये भी ऑन है मेरे यहाँ पे मैंने किया है उसके बाद मैं बैक आता हूँ Select to speak off. उसके बाद है accessibility screen reader. Screen reader में select to speak off. Select to speak. Talk back on. Talk back. Text to speech output. Text to speech. Display. Display. Magnification gestures. Large mouse point. Not checked switch. Large mouse pointer. Large mouse pointer. Not interactive controls. Okay. Switch access off. ये खेलिंग का. Interactive controls. Switch access off. Click when the pointer stops moving off. Press power button to end call. Not checked switch on. इसे मैंने चेक कर दिया. Touch and hold delay short. Check switch. Touch and hold delay short. Audio and on-screen text. Mono audio merges. Not checked. Subtitle off. ये इतने ऑप्शंस दोस्तों एक्सेसिबिलिटी में हैं. इसके बाद हम जाते हैं होम स्क्रीन पे. ये सिस्टम लॉन्चर बोला उसने और इसमें कोई भी ऐप डोर नहीं है. आपको होम स्क्रीन पे ही सारे जो है वो एप्लीकेशन के आइकॉन मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में ओपन करता हूँ। दो फिंगर से स्वाइप डाउन भी कर सकते हो या जो जेस्चर है स्वाइप राइट एंड डाउन वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2049 सबसे पहले तो मैं स्वाइप करता हूँ। मॉडिफाई कर सकते हो आप जो भी यहाँ पे अरेंज किया है वो अपने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ओपन सेटिंग यहाँ से सेटिंग ओपन कर सकते हो। 2050 टाइम फिर से October 30th Tuesday 30% display brightness seat control brightness seat on control auto brightness switch auto brightness on Double है मेरा turn on quick settings button on wifi switch open wifi settings button off phone signal step off silent switch off bluetooth off यहाँ से ही direct silent भी कर सकते हो इसे off bluetooth off switch bluetooth off open bluetooth settings setting button open करने के लिए flashlight switch flashlight on calculator button कैलकुलेटर डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। बूस्ट है फोन बूस्ट वगैरह ऐसा कुछ होगा। नाइट शील्ड नाइट में कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए डेटा यूसेज और ये नहीं है नोटिफिकेशन में ऑप्शन है कोई नया नोटिफिकेशन है नहीं इसमें नहीं तो वो भी पढ़ता है वो आसानी से। इसके बाद दोस्तों और एक चीज करने वाला हूँ मैं अभी फोन लगाने वाला हूँ और फिर देखते हैं क्या एक्सेसिबल है या नहीं है फोन रिसीव करना। तो मेरे पास
जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है उसी फ़ोन में मैं जो है वो फ़ोन लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी कॉल आएगा, देखते हैं नाम वगैरह अनाउंस कर रहा है नहीं, क्या होता है। मैंने कॉल लगाया है तो स्वाइप राइट करता हूं मैं। अननोन नंबर, नंबर बता रहा है। सिलेक्टेड म्यूट, क्योंकि ये मैंने वॉल्यूम डाउन करके म्यूट किया है। मैसेज बटन, रिजेक्ट, आंसर बटन, तो इतना ही है। तो ये बटन है तो एक्सेसिबल है। मैं टू फिंगर से स्वाइप अगर लेफ्ट करता हूँ, सिस्टम लॉन्चर, कॉल रिजेक्ट करने के लिए वहाँ पे डिक्लाइन बटन भी था, पर मैंने दो उंगलियों से राइट टू लेफ्ट स्वाइप किया बीच में, स्क्रीन के बीच में, तो वो जो है वो डिक्लाइन भी हुआ। मैंने कॉल आने के बाद कॉल रिसीव किया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग होगा या नहीं, तो इसके कारण अभी हम इसमें ही जो है वो कॉल लगाते हैं। फोन एप्लीकेशन ओपन करता हूँ मैं और डायल करता हूँ। नीचे जो है वो कॉन्टैक्ट, फोन कॉन्टैक्ट और फेवरेट ऐसे टैब है, और कीपैड उसके ऊपर है, होम के ऊपर कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट के ऊपर कीपैड है। डबल टैप मैंने किया है, कॉल करता हूँ मैं, कॉल बटन डबल टैप। तो स्पीकर पे डालता हूँ मैं, तो मैंने स्पीकर पे डाला फोन। अभी स्वाइप करते हैं, इससे वॉल्यूम कम होता है क्या वो देखता हूँ। तो मैंने जितना कम हो सके उतना किया है। ऑपरेटर कंप्लेंट नंबर मैं स्वाइप कर रहा हूँ, 44 सेकंड, रिकॉर्ड 9 सेकंड, यानी रिकॉर्ड 0 सेकंड, सिलेक्टेड रिकॉर्ड 2 सेकंड बटन, रिकॉर्ड भी हो सकता है कॉल के दौरान। मैंने डबल टैप किया तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है अभी। Selected record 10 seconds. Okay, button. अगर double tap करता हूँ मैं, recording save to phone storage recordings call recordings. ठीक है, ये save भी हो चुका hold है button. Hold, double tap to add call, add call, mute button, mute है, selected speaker, speaker button. Selected है इसलिए, dial pad button, dial pad button. Button और end. तो ये सारे ऑप्शन है, आप जो है वो एक्सप्लोर बाय टच से भी कर सकते हो। तो ये एक्सेसिबल है फोन एप्लीकेशन भी। इसके बाद दोस्तों और एक चीज देखते हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशन। होम स्क्रीन पे ही मैसेजेस था, तो न्यू मैसेज, एडिट, एडिट के ऊपर टैप करके आप कुछ मैसेज को सिलेक्ट करके आगे के जो भी एक्शन है वो कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मैसेजेस, मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू, ऑल मैसेजेस, मतलब इसमें कुछ और ऑप्शन है। मैंने डबल टैप किया उसे, ऑल मैसेजेस, अनरेड, ब्लॉक मैसेजेस और ब्लॉक, ये कैटेगरीज हैं। अगर आपको सिर्फ अनरेड मैसेजेस दिखाई देना चाहिए आपको messages, तो यहाँ पे आके वो ऑप्शन ऑन कर सकते हो। उसके बाद सर्च messages, सर्च है, notifications, activate internet by calling 1925 and click bit.ly, ये मैसेज है, notifications, activate internet by, और तो कुछ है नहीं। इसके बाद न्यू मैसेज को डबल टैप करता हूँ, ये अगर उसकी पोजीशन अगर बताऊँ मैं,
तो टॉप राइट में जो है वो एडिट है और उसके जस्ट लेफ्ट साइड में न्यू मैसेज मिलता है और एडिट के नीचे जो है वो सर्च है. ये क्या है? एडिट बॉक्स रेसिपिएंट मतलब जिसको भेजना है वो एडिटिंग एडिट बॉक्स. इसके ऊपर आप टाइप भी कर सकते हो सिलेक्ट रेसिपिएंट या कॉन्टैक्ट आपको दिखाएंगे उसमें से आप चूज कर सकते हो. अटैचमेंट ऐड कर सकते हो. यहाँ पे टेक्स्ट आपको लिखना है और सेंड बटन. तो ये मैसेजिंग एप्लीकेशन भी थोड़ा सा अलग है पर एक्सेसिबल है, कोई इशू नहीं है. लास्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे कैमरा एप्लीकेशन. ये बॉटम राइट में है. कैमरा को डबल टैप करता हूँ मैं. अलाउ कर देता हूँ. तो स्वाइप राइट करके देखते हैं. फ्लैश मोड, HDR फंक्शन, शटर मोड, शटर बटन, रियर कैमरा, 1x. तो ये सारे ऑप्शन हैं कैमरा के. इसमें सारे बटन उसने बोला है, कुछ भी अनलेबल बटन उसने बोला नहीं है. होम बटन के ऊपर देखते हैं शटर बटन है या नहीं, या उसकी जगह कुछ और है. ओके, शटर बटन उसकी जगह पे ही है. शटर बटन के लेफ्ट साइड में है लेटेस्ट फोटो. जो अभी आपने फोटो निकाले होंगे अब तक वो आपको दिखाएगा शायद. और शटर बटन के राइट साइड में है रियर कैमरा. मतलब अभी फिलहाल मुझे लगता है रियर कैमरा एक्टिवेट है. डबल टैप करता हूँ इसके ऊपर तो ओके, अभी उसकी जगह पे फ्रंट कैमरा आया है शायद. ठीक है, तो दोस्तों ये था रियलमी C1 मोबाइल. आप बताओ दोस्तों कमेंट करके या फिर हमें ईमेल करके कि आपको ये फोन एक्सेसिबल लगता है या नहीं, क्या हम इस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं. मुझे अगर पूछा जाए या मेरा ओपिनियन अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ब्रांड के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं. सिर्फ एक चीज़ जो लगी थी वो स्टार्टिंग में हम टॉकबैक ऑन करने की थी, जिसके लिए साइटेड की हेल्प लेनी पड़ी थी. बट उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, फ़ोन एप्लीकेशन, मैसेजिंग, कैमरा या फिर नोटिफिकेशन एरिया, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ये फ़ोन पूरी तरह से एक्सेसिबल लगता है. हालांकि उसमें नाम या यूज़ करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर ओवरऑल ये फ़ोन मेरी तरफ से तो एक्सेसिबल है. कोई इशू नहीं लगा है इसमें. सिर्फ जो रैम जो है वो कम है, बाकी प्रोसेसर अच्छा है, डुअल वोल्टी को सपोर्ट करता है और इसमें और भी चीज़ें हैं, डायरेक्ट वाईफाई वगैरह ऐसे भी चीज़ें इसमें दी गई हैं. इसमें जो बैटरी आती है वो है 4230 mAh की. तो डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज आपको वो एक डेढ़ दिन या दो दिन भी जा सकती है. इस फोन में कंपनी ने कुछ ऐसे सेंसर दिए हैं जो कि बाकी के कंपनी इस रेंज के फोन में देते नहीं हैं. और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी लगती है. मतलब लग रही है क्योंकि पीछे प्लास्टिक है पर वो लगती नहीं प्लास्टिक की बॉडी है. और साउंड की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा साउंड जो है इस फोन में थोड़ा कम है बाकी के मुकाबले, पर क्वालिटी जो है वो अच्छी है. मतलब स्टेबल वो साउंड है. इसमें एक चीज़ नहीं है जो आजकल के फ़ोन में होनी चाहिए, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, पर फेस अनलॉक है. हालांकि फेस अनलॉक हमारे लिए इतना एक्सेसिबल है नहीं, पर आप कोशिश कर सकते हो. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. मिलता हूँ दोस्तों किसी और पॉडकास्ट में किसी और नई जानकारी के साथ. तब तक दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा. शुक्रिया. इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर पीपल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.
If you have any suggestion, please do share in comment section. Or you can send mail us on following email ID. myaworld.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website, myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smartphones.